इतनी स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था नायलॉन व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड आज मैं आपको उसका एग्जांपल समझाऊंगी नायलॉन 66 को हम फिर से एक चीज और बोलते हैं इसका नाम पॉली हेक्सा मिथाइलीन डाइएमीन एडिपा माइड पॉलीहेक्सामिथाइलीन डाइएमीन एडिपा माइड इट इज नायलॉन 6 का ये नाम भी है. हम इस नाम से भी नायलॉन 66 को जानते हैं. प्रिपरेशन नायलॉन 66 कैसे रेडी होता है तो पहला लाइन जो अपने को दिमाग में रखना है वो यही है कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. ठीक है, किससे बनता है ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है. इट इज नेक्स्ट पॉइंट इसका जो मेन है इट इज अ पॉलीअमाइड. ये क्या है? पॉलीअमाइड है. इट इज अ पॉलीअमाइड मेड फ्रॉम the condensation of hexamethylene diamine and adipic acid. जो एडिपिक एसिड होता है उसका एक नाम और है. आप उसको इस तरीके से भी आयोपिक नेम जिसको बोलते हैं आयोपेसी नेम ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या नाम है? ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. मतलब ये क्या है? पॉलीअमाइड है. और ये बनता कैसे है? कंडेंसेशन. किसके कंडेंसेशन से? इसमें दो मोनोमर लिए गए हैं. एक मोनोमर है हेक्सामिथाइलीन डाइएमीन और दूसरा है मोनोमर क्या? एडिपिक एसिड. ठीक है, इनके आपस में क्या होते हैं? कंडेंस होने से. तो इन इक्वीमोलर प्रोपोर्शन. ठीक है, ये चीज क्लियर है क्या? दो या दो से ज्यादा मोनोमर जब आपस में कंडेंस होते हैं वही होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. यहाँ पे आपको दो मोनोमर दिख रहे हैं स्पेशली, एक है हेक्सामिथाइलीन डाइएमीन, दूसरा है एडिपिक एसिड जिसका आईपीसी नेम है ब्यूटेन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. ये आपस में क्या होते हैं? कंडेंस होते हैं और ये इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होते हैं. अब होता क्या है इसमें? In this type of preparation, where we have polyamide. अब ये हुआ कैसे? मतलब नायलॉन 66 में क्या है? पॉलीअमाइड हम इसको बोलते हैं. ये बनता कैसे है? तो इन दिस स्टेप अमीन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप amine and carboxylic group condense to form amide linkage with the evolution of
वाटर। हमें ये पता है कि नायलॉन में क्या होता है, एमाइड लिंकेज होता है, ये चीज़ हम अच्छे तरीके से जानते हैं। और नायलॉन में नायलॉन 6-6 क्या है, मेनली पॉलीएमाइड है। क्या होता है ये पॉलीएमाइड, इसका नाम क्या है, पॉलीहेक्सामेथाइलीन डायमीन एडिपामाइड। अब ये कैसे प्रिपेयर हो रहा है, जब हेक्सामेथाइलीन डायमीन और एडिपिक एसिड आपस में क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, जो कि इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होते हैं। लेकिन ये जब इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होते हैं तो हेक्सामेथाइलीन डायमीन में क्या होता है, एमीन होता है, एमीन ग्रुप होता है। एंड एडिपिक एसिड मतलब ब्यूटेन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। दोनों के फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहे हैं, आपस में कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होने के बाद क्या बनाते हैं, अमाइड लिंकेज बनाते हैं। और जब अमाइड लिंकेज बनता है तो वाटर का इसमें क्या होता है, रिमूवल भी होता है। और मैंने आपको बताया था कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन तभी पॉसिबल है जब कोई ना कोई सिंपल मॉलिक्यूल उसमें क्या होगा, रिलीज भी होगा। तो इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, अमीन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में कंडेंस होते हैं और बनाते क्या है, अमाइड लिंकेज, दैट इज अ नायलॉन 6-6। अब इसकी रिएक्शन जो कि किस तरीके से हमारा नायलॉन 6-6 रेडी होगा, तब आपको मैं रिएक्शन समझाती हूँ। हेक्सामेथाइलीन डायमीन एक मोनोमर है और दूसरा मोनोमर है इसमें क्या, एडिपिक एसिड। सो तो पहला मोनोमर हम लेंगे हेक्सामेथाइलीन, ठीक है, क्या नाम आ रहा है, हेक्सामेथाइलीन, तो CH2 होल 6 हेक्सामेथाइलीन हो गया, डायमीन तो ये एक एमीन हो गया आपका, दूसरा एमीन यहां ले लिया और आगे एल लगा दिया, एन मतलब कि नंबर ऑफ मोनोमर पता ही है। हेक्सामेथाइलीन डायमीन किसके साथ कंडेंस हो रहा है, एडिपिक एसिड के साथ, और एडिपिक एसिड क्या था, ब्यूटेन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ब्यूटेन 1,4 ब्यूटेन से आपको समझ में आएगा मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, टेट्रा मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो चार कार्बन का हो गया ये, तो CH2 का होल 4। अब क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, COOH इधर भी लिया, COOH यहां भी एन लगा दिया, इसका नाम क्या था, हेक्सा मिथाइलीन डाइएमीन, ठीक है, मोनोमर है ये हमारा, किसके साथ कंडेंस हुआ, एडिपिक एसिड यहां इसका एक नाम और है क्या, ब्यूटेन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ये भी मोनोमर है, इसको हमने क्या किया था, हीट किया था TiO2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, क्या हुआ था, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हुआ। अब इसके साथ साथ और क्या चीज हुआ, -2NH2O क्या हो रहा है, -2NH2O मतलब वाटर के टू मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे, देखिए एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से लिया, दूसरा इसका H रिमूव हो जाएगा लास्ट वाले के OH से, क्लियर है ये चीज। फिर से देखिए, हमने रिएक्शन किया था CH2O6, दो तरफ एमीन था, यहाँ पे ब्यूटेन मतलब CH2O4 हो गया और COOH दो कार्बोक्सिलिक एसिड थे, ओपन चेन में था इसका एंड, दिख रहा है आपको कि यहाँ पे जो लास्ट में इधर इसका एच और इसका OH, इसका एच और इसका OH इस तरीके से था, मतलब कि क्या हुआ, ये H और ये लास्ट का OH, इनका एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और इधर ये क्या है, OH है, इधर H है एक, तो एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तो 2 लगा दिया आगे, N नंबर मतलब कि दो वाटर मॉलिक्यूल तो रिलीज हो रहे हैं,
अब n का मतलब नंबर ऑफ, जब एक बार कंडेंस्ड हो रहा है ऐसे तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हो रहे हैं, और जब n टाइप ऑफ n नंबर ऑफ यहाँ पे लगा दिया है तो कई बार रिलीज होंगे, आपको समझ में आ रहा है, कई वाटर मॉलिक्यूल। तो दिस इज हेक्सामेथिलीन डायमीन, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। एरो के बाद अब जो हमारा बचेगा, तो बचा हुआ देखिए यहाँ पे NH, NH, CH2, whole 6, फिर इधर बचा है NH, then इसका C double bond O, फिर CH2 का whole 4, then C double bond O, यहां लगा दिया bracket। हमारा तैयार हो गया क्या, नायलॉन 6-6। मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाहूंगी, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, तो एक बार हम इस रिएक्शन को फिर से करेंगे कि आपके दिमाग में चीजें बहुत तरीके से क्लियर हो जाएं कि कहां हमने क्या चीज लिया है और कैसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद नायलॉन 6-6 हमें मिल रहा है। तो फिर से मैं रिएक्शन कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। हेक्सामिथाइलीन मतलब CH2 का होल 6, डाइएमीन एंड H2 एक तरफ ले लिया एंड H2 दूसरी तरफ ले लिया, एंड लगा दिया, दिस इज हेक्सा मिथाइलीन डाइएमीन। किससे रिएक्शन करवाया हमने, ब्यूटेन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, उससे आपको स्ट्रक्चर बना ज्यादा इजी लगेगा, जबकि एडिपिक एसिड से सिर्फ आपको एक सिंपल सा नाम समझ में आ रहा हो कि हाँ एसिड है। तो CH2 होल 4 ब्यूटेन हो गया, COOH कार्बोक्सिलिक डाइकार्बोक्सिलिक है, दो कार्बोक्सिलिक किधर हो जाएंगे, एंड यहाँ पे भी एन नंबर होगा तो एन नंबर लिया, बीच में प्लस किया। अब एरो लगाया, नीचे की तरफ लगा देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो, एरो लगाया, दिस इज एडिपिक एसिड, अब इनको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, जब हम हीट करते हैं TiO2 के प्रेजेंस में तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें रिलीज होता है। देखिए यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल HOH, इसका OH इसके S से रिमूव हो जाएगा और जो बचेगा वो हमारा नायलॉन 6-6 होगा। तो आप यहां पे लिख लेंगे हीट किया TiO2 -2 NH2O एंड दिस इज, और क्या हो रहा है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्या बना, जो चीजें बची हैं अब आप उसको लिख लेंगे NH and H, CH2 का होल 6, CH2 का होल 6, देन इधर लिखा अगेन NH, NH, देन C डबल बॉन्ड O, देन CH2 का होल 4, देन C डबल बॉन्ड O, ये हमारा नायलॉन 6-6 है। व्हाई इट इज, व्हाई दिस इज कॉल्ड नायलॉन 6-6, तो देखिए यहां पे एमाइड लिंकेज है, दिस इज अ एमाइड लिंकेज। फिर देखिए इसमें भी 6 कार्बन है और इसमें भी 6 कार्बन है, 4, 5, 6, तो ड्यू टू 2 times 6, 6 कार्बन एंड एमाइड लिंकेज के कारण ये क्या हो गया, नायलॉन हो गया, एमाइड लिंकेज मिला, दैट्स व्हाई इट इज नायलॉन। अब यहां कार्बन 6 है तो ये 6 हो गया, इधर कार्बन 6 है तो 6 हो गया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नायलॉन 6-6। आपको प्रिपरेशन समझ में आ गई होगी, हेक्सामिथाइलीन डायमीन एडिपिक एसिड के साथ आपस में कंडेंस होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, किस तरीके से रिलीज हो रहा है मैंने ये चीज आपको समझा दिया है, और रिलीज होने के बाद हमें जो मिलता है दैट इज नायलॉन 6-6 बिकॉज इसमें एमाइड लिंकेज है, दैट्स व्हाई नायलॉन, एंड कार्बन 6 एंड 6 तो हम क्या बोलेंगे, नायलॉन 6-6। दिस इज अ प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6-6। यूजर्स आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे कि नायलॉन 6-6 का मेनली जो यूज करते हैं हम, वो एज अ किसमें यूज किया जाता है, जितने भी फाइबर्स होते हैं, फाइबर मतलब कि
फैब्रिक्स वाला कि हम मानते हैं सॉक्स, अंडरगार्मेंट्स, कारपेट्स, उसमें भी यूज किया जाता है. जो नायलॉन के रोप्स बनते हैं, रस्सियां, उसमें भी नायलॉन 66 का यूज किया जाता है. तो आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि नायलॉन 66 का प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है. थैंक यू सो मच.